हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस श्रृंखला में आज हम चैप्टर 4 भौतिक गणित के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्रम में आज हम इंटीग्रल कैलकुलस दैट इज समाकलन गणित के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो समाकल गणित होता क्या है? समाकलन गणित का मतलब समाकल को ही समाकलन कहते हैं, जिसे हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो समाकल अवकलन का उत्क्रम प्रक्रम है। उत्क्रम प्रक्रम मतलब कि अवकलन का ठीक उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का ठीक उल्टा अवकलन होता है। तो यही कह रहा है, समाकल अवकलन का उत्क्रम प्रक्रम है, मतलब ठीक इसका उल्टा है। इस प्रकार यदि फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकल एफ एक्स है। अर्थात अगर हम अवकलन का हम एक्स के सापेक्ष समाकलन की कंडीशन करें तो हमें ये ऐसा कुछ प्राप्त होता है। तो इसको अगर हम प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिक टर्म में अगर प्रेजेंट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। अगर यहाँ पे डबल डैश होता तो होता सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। तो अब हम यहाँ पे करा है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी एक्स इधर चला जाएगा तो उस कंडीशन पर हो जाएगा ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन का चिन्ह है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हमें यहाँ पे एक माइन्यूट चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ का समाकलन करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट एडजस्ट होता है। अब कहाँ कांस्टेंट नहीं होगा उसकी भी एक कंडीशन है, उसे हम आगे नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। तो समाकल नियतांक क्या होता है, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, किसी नियतांक का अवकल गुणांक शून्य होता है। मतलब यदि किसी कांस्टेंट टर्म है उसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो ज़ीरो होगा। अतः एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, वह सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब समाकल नियतांक है। नियतांक सी समाकल नियतांक कहलाता है, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, तथा इसका कुछ भी नियत मान हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स अवकल गुणांक एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अनिश्चित समाकल कहलाता है। अब यहाँ पे समाकलन के लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं, मानक सूत्र हैं। पहला फर्स्ट दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स प्लस सी होगा, वह सी जे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब समाकल नियतांक है। अब दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में यू प्लस वी डी एक्स, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। फिर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेसी। फिर नेक्स्ट टर्म है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपान लॉग ए बी सी। सबके साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट दैट इज सी एक्सेट्रा कुछ भी हम ऐड करेंगे। तो ये हो गया, तो जैसे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा, टैन का सेक स्क्वायर एक्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है मूल सूत्रों के विस्तृत रूप। अब मूल सूत्रों का विस्तृत रूप क्या है, फर्स्ट दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द होल पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपान ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। यहाँ भी हम कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म दिया वन अपान ए एक्स प्लस बी टू द होल पावर एन डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई ए ब्रैकेट में एन माइनस वन
फिर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी टू द होल पावर एन माइनस वन। अब इसका लास्ट टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू वन अपान ए लॉग ए एक्स प्लस बी बेस ई।